दुनिया भर में लाखों लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइकिल चलाने के कारण अलग अलग होते हैं। साइकिल का इस्तेमाल एक्सरसाइज, यातायात या फिर रेस आदि में किया जाता है, तो वहीं कुछ लोग केवल शौक के लिए साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाना भले ही आपको एक कला लगती हो, लेकिन वास्तव में ये विज्ञान है। कैसे दो पहियों वाली साइकिल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, चलिए इसके विज्ञान को समझते हैं। साइकिल हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल देती है। गतिज ऊर्जा किसी गतिमान वस्तु या फिर कण का वो गुण है जो न केवल उसकी गति बल्कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ऐसा कार्य जो ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, किसी वस्तु पर पूरे बल के साथ लगाया जाए तो वस्तु गति करती है और गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक ऐसा ही साइकिल में भी होता है। किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई 90% ऊर्जा को साइकिल गतिज ऊर्जा में बदल सकती है। यात्रा के दौरान चालक का संतुलन और गति करने का पथ साइकिल को स्थिर रखने में मदद करता है। साइकिल का पहिया और जिस दूरी पर यह घूमती है एक साधारण मशीन का उदाहरण है। ये बल यानी कि गति को इकट्ठा कर लेती है जो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे मुड़ते हैं। आमतौर पर साइकिल के पहिए कार के पहियों से ऊंचे होते हैं। जितने ऊंचे पहिए होंगे ये मुड़ने की धुरी पर साइकिल की गति को उतना बढ़ा देंगे। पहिए हमारे शरीर के वजन को भी बड़े ही रोचक तरीके से संभालते हैं। अगर साइकिल के पहिए पूरी तरह से ठोस होते तो बैठते ही ये नीचे गिर जाते और आपको संभालने के लिए पीछे की ओर धक्का देते। लेकिन ज्यादातर साइकिल के पहिए मजबूत हब, पतली रिम और अनेक स्पोक्स से बने होते हैं जो इन्हें मजबूत और हल्का बनाते हैं। पैडल मारकर आप चाहे कितनी ही तेजी से साइकिल चला लें, लेकिन रुकने की भी जरूरत पड़ती है। साइकिल में लगे ब्रेक्स साइकिल को रोकने के लिए घर्षण बल का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, साइकिल के अगले और पिछले पहियों के रिम पर मौजूद रबर क्लैंप धीरे से पहियों को रगड़ते हैं। ये हमारी गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नतीजा है कि साइकिल की गति धीमी पड़ जाती है। कोई भी दो पहियों वाली मशीन मोमेंटम, गति और घर्षण बल का उपयोग करती है और ऊर्जा को परिवर्तित कर चालक को उसकी मंजिल तक पहुँचा देती है।